हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने किसी रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाया तो उस शख्स को भी इतना ही सवाब मिलेगा जितना कि रोज़ादार को। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डिस्कवर पंजाब ते खुश आमदीद। अज तुहानू दिखाउंदे आ दो ऐसे इदारे या फाउंडेशन जो अपनी अपनी जगह ते आवाम की बहुत खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने दी अपनी अपनी मुनफरिद कहानी आ। पहली फाउंडेशन का नाम है जी देखभाल शेल्टर होम, दूसरी दा होप हैवन फाउंडेशन। देखभाल शेल्टर होम एक इदारा वा जो कि नाबीना यतीम बच्चों की कफालत कर रहा। वीडियो देखे जाके तो उन्होंने दी डिटेल दसदी हाँ। तो दूसरी फाउंडेशन का नाम है जी होप हैवन फाउंडेशन। इन्हों तो मैं खुद भी बहुत इंप्रैस होया, तो जो तुम वीडियो पूरी देखोगे तो इंशाल्लाह तुम भी इन्हों तो जरूर इंप्रैस हो गए, क्योंकि इन्हों की खास गल यह कि यह फाउंडेशन नौजवानों पर मुश्तमिल आ। चंद ऐसे दोस्त जिन्होंने सोचा कि सानू कोई फलाही काम करना चाहिए वा। यह शेल्टर होम लोकेटिड आ हुसैनी चौक के नाल वकील वाले चक्की वाला रोड, उत्थे शेल्टर होम लोकेटिड आ। ए बाजी उन्हों का ऑफिस, प्रॉपर ऑफिस आ इन्हों का, और इतने कैमरे लगे हुए ने, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग हो रही आ कि किसी बच्चे को कोई नुकसान ना हो। और इस शेल्टर होम च दिन रात बच्चों की खिदमत की जा रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके उन्होंने तालीम भी दी जा रही है और उन्होंने देखभाल भी की जा रही है। पहले तुहानूं इन्हों का जो शेल्टर होम आ दिखाने, ये अंदर तीन कमरे ने जिथे बच्चे अपना आराम करते हैं। हर बच्चे अलहदा अलहदा उन्होंने चारपाई दी हुई है और इतने गर्मियों ए सी की सहूलत भी मौजूद आ। इस फाउंडेशन वालों का कहना वा जी सानू नहीं पता अल्लाह सानू कितों दे जा रहा वा, तो असं बच्चों के खर्च करी जा रहे हैं। अगे चल के तहत उन्होंने एक नुमाइंदे भी गलबात करके सुनावे और उन्होंने को आप पुछागे कि किदा वह सारे इस इंतजाम चला रहे हैं और किन्ने साल हो गए हैं इस इदारे। उस तो बाद शुरू होंगे जी उन्हों का क्लासरूम, यह स्पैशल गैजट्स ने जिदे नाबीना बच्चों पढ़ाते हैं ये लोग। तो कुछ सारे बच्चे नाबीना नहीं गए, इन्हों चंद बच्चे नाबीना ने, बाकी बच्चे यतीम ने जिन्हों का कोई नहीं है इस दुनिया से। यह उन्होंने सहूलत दे रहे हैं और उन्होंने कंप्यूटर क्लासिज भी दी जा रही ने। इतने प्रॉपर एक लैब बनी हुई है। उस तो बाद क्लासरूम आ गया जोड़े बच्चे यतीम ने सिर्फ और लेकिन वो देख सकते हैं उदा मौजूद ने, उन्होंने वास्ते यह वाला क्लासरूम इतने उन्होंने क्लासिज दी जा रही ने। यानी कि इस अदारे उन्होंने नकारा नहीं बनाया जा रहा, जिदा कुछ ग्रोह होंगे ने जोड़े बच्चों को बीक मंगवाते हैं और बच्चों पर जुल्म करते हैं, यदा का इदारा नहीं। ये बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने एजुकेशन दे रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई हुनर सिखा रहे हैं और उन्होंने नात वगैरह पढ़निया सिखा रहे हैं। अगे तो एक बच्चे की नात भी सुनावे, बहुत जबरदस्त दफ के नाल बजा के बच्चे नात पढ़ रहे हैं और वह बच्चे बिल्कुल नवीना ने। यह इन्हों का एक होर क्लासरूम आ। इस तो अलावा इतने बच्चों रिहायश वास्ते पूरी सहूलत आ, उन्होंने लॉन्ड्री रूम आ, उस तो बाद उन्होंने वास्ते किचन आ और सहन आ, अपने इतने खेलते भी ने और इतने भी इतने पकाते हैं जो भी उन्होंने निदाम आ। इन्हां देख के एहसास हुंदा कि अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने आपां नूं नॉर्मल पैदा किया और आपां नूं सारी सहूलियात दित्तियां ने। आओ पहले तुहानूं बच्चों के नाल सुनाउंदे आं, फिर बाकी वीडियो की तरफ डिटेल जब चलते हैं। तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तो अमीरे हरम फकीरे आजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तो अताई अता, तू को जा मन को जा, इल्हाम है नामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। इल्हाम है नामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श भरी, मिंबर तेरा अर्श भरी, या रहमतुल लिल आलमी। हम तुम सुना इन्ह के नुमाइंदे की गई गुफ्तगु, वो तुम सुनो। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? ठीक हो? सारे अदारे बने नु कितने साल हो गए? तकरीबन 8 साल होने वाले हैं। 8 साल हो गए। कितनी बच्चों की तादाद है थोड़े को? दोनों इदारे के बच्चे और बच्चे मिला के 100 के करीब बन जाते हैं। 100 के करीब? हाँ जी। इन्हें देखभाल से थोड़ा कोई मुश्किल नहीं? कोई मुश्किल नहीं होती, हमारा दिल खुश होता है इनकी खिदमत करके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इस तरह महसूस होते जिदा थोड़े आपके बच्चे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बच्चे इन्हें खिदमत करके दिल ही सुकून मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही सुकून मिलता है, कोई मसला नहीं है।
जी नाजरीन देख लो ये खिदमत 8 साल तो दारा चल रहा 100 के करीब इन्हों को बच्चे आ ये कहते हैं भी बच्चों की खिदमत करके सानू दिली सुकून मिलता है इस तरह ही हाँ ये सारे बच्चे नबीना ने भी जिदा साड़ी अपनी औलाद होंगी और असी भी आए हैं सुबह दे देख रहे हैं कि वाकई इदा ही इन्हों का प्यार आ बच्चों के नाल। हाँ जी तुम देखिया ये भी कि किसी के बच्चे हो गए इन्हों के माँ प्यो इस दुनिया तो नहीं है बच्चे यतीम ने और बहुत जबरदस्त खिदमत हो रही है अस्पताल इन बच्चों की तुम आके अपनी अखा ना देखो और इन्हों डोनेशन भी दो और दूसरी ए जे दोस्त देख रहे हो बच्चों के नाल बेटे खेल रहे हैं उन्होंने टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स ने जिन्हों दूसरी फाउंडेशन आ हैवन होप इन्होंने अज इन्ह बच्चों वास्ते अफतारी का इंतजाम किया और इन बच्चों खुश करने की एक कोशिश की आ अल्लाह इन्हों की कोशिश में भी कबूल करे क्योंकि ये दोस्त भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे मेहनत कर रहे लोगों के भले वास्ते काम कर रहे आप इन्हों भी एक लीडर ना या नुमाइंदे ना गपशप करते हैं तो उन्होंने को जानते हैं इन्हों फाउंडेशन के बारे आओ। हाँ जी नाजरीन हम तुम्हें मिलाते हैं उन्होंने दोस्तों के नाल जिन्होंने अज इस अफतारी का इंतजाम किया वा इन्हों को जानते हैं इन्हों की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सारी तफसील। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला सरफराज है। अब्दुल्ला भाई दसो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आवाम को थोड़ा जहाँ कि तुम कि स्टैप चुके वा दोस्तों ने रल के। जी हम लोग सारे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली और हमने अराउंड आज से 2 हफ्ते पहले ही ये स्टेप चूज किया कि हम लोग एक फाउंडेशन बनाए जिसका नाम हमने डिसाइड किया होप हेवन फाउंडेशन। ठीक है, और हम लोगों ने सब दोस्तों ने मिलकर ये प्लान इसलिए किया था कि ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें, उन लोगों की मदद कर सकें जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती, जो 2 वक्त इज्जत से एक दस्तरखान पर साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे खानदानों से हैं, सब है। हम चाहते हैं कि हम अगर खुद अच्छी वक्त की रोटी खा रहे हैं हम किसी और को क्यों ना खिलाएं, हम किसी और के साथ बैठ के क्यों ना खाएं। इसलिए हम सब दोस्तों ने, हम सब स्टूडेंट्स ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों की मदद करें और सिर्फ एक जगह पे नहीं, हम शहर के हर कोने कोने में जाके और सिर्फ दस्तरखान के थ्रू नहीं, हम हर तरीके से लोगों की मदद करें। किसी को राशन चाहिए, आटा चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, जो भी है उन हर चीज़ के लिए, दवाइयाँ चाहिए, हर चीज़ के लिए हम लोगों की मदद करें सिर्फ और सिर्फ इस फाउंडेशन के थ्रू। माशाल्लाह आपका मकसद बहुत नेक है, अल्लाह आप लोगों की मदद करे इस मकसद में, हमारी दुआ के साथ है। आप हम हैंड पे आपका नंबर भी दे देंगे अगर कोई बंदा आप डोनेट करना चाहे आप लोगों को। बिल्कुल, हमारा सिर्फ एक ये भी नहीं है कि आप हमें डोनेशन सिर्फ पैसों की सूरत में दें, अगर आपने हमें डोनेशन कपड़ों की सूरत में देनी है, मेडिसिन की सूरत में देनी है, आपने हमें डोनेशन आप देख देना चाह रहे हैं जामा शीरी के लिए, जामा शीरी, चीनी, पानी, आप कुछ भी देना चाह रहे हैं ना फॉर डोनेशन, आप हमें वो दें, हम आप लोगों की चीज़ आवाम तक पहुँचाएंगे। और इसमें हमारा सिर्फ ये भी नहीं है कि हम आप लोगों की चीज़ ले लेंगे, आपको नहीं पता, हम अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर रोज अपलोड करते हैं डिटेल्स के हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और इसके अलावा आप लोग खुद आना चाहते हैं, आप लोग खुद आए, खुद विजिट करें कि हम आप लोगों के लिए हुए पैसे, आप लोगों से लिए हुए चीज़ें वो हम यूटिलाइज कहाँ पे कर रहे हैं, किन लोगों को दे रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल की जा रही है, ताकि जो एक ट्रस्ट इशू होता है हमारी सोसाइटी में कि जी बच्चे हैं इनको क्या पता, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हैं जो मुल्क को आगे लेके जाते होते हैं। हाँ जी माशाल्लाह जिस तरह का तुहाड़ा जज्बा वा नौजवानों का लोगों की खिदमत करने का एहसास आ दिल च दुख आने वास्ते असी तो तुम जो लोग देख रहे हो आप भी ये स्टैप चुक सकते हैं इदा की फाउंडेशन बना सकते हैं, नहीं तो इन्ह ऐसा जड़िया फाउंडेशन ने उन्होंने नाल रल के आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं ताकि जो गरीब लोग ने अज के दौर च महंगाई बहुत ज़्यादा है, जो गरीब लोग ने जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, ठीक है जी, उन्होंने मदद हो जाएगी। अगे ईद आ रही है लोगों वास्ते, तुम कपड़े भी दोगे लोगों को, असं भी दे सकते हैं, तुम भी दे सकते हो, जिन्हों जिन्हों अल्लाह ने जिनी इस्तात दी अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी हैसियत के मुताबिक मदद जरूर करनी चाहिए है क्योंकि सदका जा रही है वा किसी भुखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब वा, अल्लाह खुश होंदा इस तो, और ये नाल तुहाडे रिज़्क च बरकत आएगी, कमी नहीं होएगी इंशाल्लाह, जिन्ना वंडोगे उन्ना ज्यादा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह पाक का फरमान है कि आप मेरी राह में 1 रुपए दोगे मैं आप लोगों को 10 रुपए दूंगा उसके बदले में। बिल्कुल, और हम जितना ज्यादा दें वो बेहतर है। बिल्कुल जी, और रमजान शरीफ च 10 गुना 700 गुना तक वधा दिया जाता है, एक नेकी करो रहमतों का महीना। अगर यही जज्बा आवाम दे विच आ जाएगा तो कोई गरीब खुशी तो महरूम नहीं रह सकेगा, लोगों की मदद करो और इन्हां दी तरह या जिन्नी भी फाउंडेशन होर अपने मुल्क जिहड़े सही तरीके काम कर रहे हैं उन्हां दी तरह दूसरों का एहसास करो, अल्लाह तुहाडा एहसास करेगा, अल्लाह तुहाडे ते रहमत करेगा। इन्हां दा जज्बा देख के साडा दिल करदा इन्हां नूं सलूट मारन दा, ठीक है, इस नाल सानूं दिओ इजाजत, और इस तरह के फलाही काम जिथे भी होन जे तुसीं सानूं कहोगे असीं दिखावांगे जरूर इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म ते, और लोगों नूं दिखावांगे कि नेक काम जिहड़े आ कितने कितने हो रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है सर, सानू इजाजत दियो। हाँ जी, तुम देखिया कि दोनों फाउंडेशन जी जेडे शेल्टर होम वाले आ बच्चों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं,
और गरीब बच्चे ने, यतीम ने, कुछ नाबीना ने, बेच कुछ माजूर ने, तुसी खुद भी जाओ उन्हां दी मदद करो। और दूसरे फाउंडेशन वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने भी डोनेशन दियो ताकि आवाम का भला हो सके। और जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो शेयर करो। तो मैनू दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।